ये देखे नाजरीन, ये देखे मेरी बैक पर आप देख सकते हैं शिफ्टिंग कर रहा है, ये देखें आग लगा दो, फिर भी खींचा नहीं जा रहा। हेलो व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अब जा रहा हूँ सीवीओ पर दिन के टाइम, और मैं वहाँ पर जाके देख चाहूँगे क्या इस टाइम लोकेशन चल रही है वहाँ पर, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर इस वक्त, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ दिन के टाइम। इस टाइम 3 बजने वाले हैं और अब मैं रास्ते में जा रही आ रहा हूँ, बस आहिस्ता आहिस्ता पहुँच जाऊँगा सीवीओ तक, कि वहाँ जाके मैं व्लॉगिंग करूँगा, देखो आपको दिखाऊँ वहाँ पर क्या क्या इस वक्त होता है समंदर पर। तो जैसा कि नाजरीन आप देख सकते हैं मैं सीवीओ पर पहुंच चुका हूं और मैं गाड़ी से उतर कर वीडियो शूट करूंगा और देखूंगा यहां पर क्या क्या नीचे नजारे हैं। लेफ्ट लेफ्ट, यहां देखिए आवाम आ चुकी है, साहिल पर पहुंच चुका हूं सीवीओ पर, और आप मेरी बैग पर देख सकते हैं कश्ती नुमा होटल बनाया गया है, यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं बच्चों के लिए, ये देखे मेरी बैग पर आप देख सकते हैं इसे। अब मैं आगे जा रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या इस वक्त क्या इंजॉयमेंट हो रही है, क्योंकि अब 3:30 बज चुके हैं और इसके बाद यहाँ पे लोगों की रश बढ़ जाएगा, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होगा असर की नमाज के बाद, यहाँ काफ़ी लोगों का रश बढ़ जाएगा। जब तक मैं यहीं रहूँगा और असर के बाद ही मैं जाऊँगा यहाँ से। आप मेरी बैग पर देख सकते हैं, ये देखें कितना प्यारा मंजर है, समंदर का कितना प्यारा व्यू है, देखें दिल करता है, दिल यहाँ से जाने को करता नहीं है। आप कभी कराची आएँ तो आप ज़रूर समंदर पे आइएगा और यहाँ के अब नज़ारे देखिएगा, यहाँ मछुआरों की ये देखिए टोकरियाँ पड़ी हैं यहाँ पर जो ये पकड़ते हैं, और यहाँ पर कश्तियाँ वगैरह, वो समंदर में दूर दूर तक कश्तियाँ मुझे नज़र आ रही हैं जो कि मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ हैं वहाँ के लोग। और ये देखें यहाँ ट्रैक्टर भी हैं जो कि कचरा वगैरह, जो कि रेता वगैरह होती है, फालतू वगैरह जो गंद वगैरह होता है, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इकट्ठे करने के लिए आए होते हैं, इनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। और ये देखें हमारा एक कज़न है जो कि गाड़ी लेकर आ चुका है यहाँ पर, इसके अलावा इसके ऊपर हम आप करेंगे ड्रिफ्टिंग भी और हम इसकी वीडियो भी बनाएंगे अभी हम। ट्रैक्टर हैं जो ये सफाई करने में लगे हुए हैं, जो भी गंद वगैरह यहाँ पर समंदर के जरिए बाहर आ जाता है उसको साइड पर लगा देते हैं। ये देखिए समंदर का नज़ारा कितना ही प्यारा, और ऐसी लहरें आती हैं कि बस दिल करता है इसमें फिरते रहो शाम तक, बहुत ज़बरदस्त लहरें होती है, रात को लहरें वो दीवार के साथ लगती हैं जाकर, वो जो दीवार है वहाँ पर जाके लहरें अटैच होती हैं इनकी समंदर की। ये देखे गाइस मेरा कज़न जो ड्रिफ्टिंग करने में लगा हुआ है कार के साथ, ये देखें। अब मैं करीब से जाकर इसकी वीडियो बनाता हूँ। हमने अब शूज़ उतार के शॉपर में डाले हैं, देखा हमारे पैर देखें आप, मैंने पैर नंगे कर लिए हैं और पैंचे मैंने ऊपर कर लिए हैं, अब पानी के अंदर मैं जा रहा हूँ। कज़न ड्रिफ्टिंग कर रहा है, ये देखें नाजी मेरा कज़न कितनी फास्ट कार घुमा रहा है, ये देखें ये जापानी कार है जो कि ड्रिफ्टिंग के लिए ज्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत मजा नहीं है, किस तरह होना चाहिए सर, आप क्या महसूस कर रहे हैं, यहाँ ड्रिफ्टिंग हो रही है कि नहीं, आपसे गाड़ी हल्की की रोड सही नहीं है, ये गाड़ी हल्की है, आग लगा दो वहां ले जाके सीधी जा रहे हैं, सीधी जा रहे हैं समंदर में। ये देखे मेरा कजन वैशी हो चुका है, समंदर के बिल्कुल करीब जाकर घुमा रहा है, ये देखें। गाड़ी थक गई है, लोग जाकर समुद्रों में जाके मछलियां पकड़ रहे हैं, और ये देखें ये कुछ लोग उन्होंने डाला है और ये मछलियां पकड़ रहे हैं, ये देखें इधर कितने जोर से इन्होंने जाल खींचने में लगे हैं, कितने दो चार छह सात जने जाल खींचने में लगे हैं, देखें इनके हाथ, देखते क्या लगा है। ये जितने भी है नाजन सारे सारे मछुआरे इन्होंने देखे जाल सेट कर रहे हैं, ये
और सारे मछुआरे इन्होंने जाल फेंके हैं और मछलियां पकड़ने के लिए, देखे जरा मैं भी इनके करीब जा रहा हूँ, देख दो इनके हाथ क्या लगाया आज। तो इन्होंने जाल डाला है और ये देखे साथ जिन्हें उसको खींचने में लगे उनसे फिर भी खींचा नहीं जा रहा, और ये एक लड़का और जा रहा है उनकी मदद के लिए। ये देखे एक ने पेट के साथ रस्सी बांधी हुई है और बाकी हाथों से खींच रही, लगता है कि काफी ज्यादा मछली के हाथ लगी है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है, ये सिक्योरिटी के लिए है। ये देखे नादरी कैसा जोर लगा रहे हैं ये रस्से को बाहर लाने के लिए, जाल को जिससे इन्होंने मछलियां पकड़ी। ये देखें यहां से व्यू क्लिफ्टन का, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो यहां का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, कराची की सबसे बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है। ये देखे पानी आ रहा है,